हेलो स्टूडेंट्स, स्वामी कॉलेज रतनगढ़ की तरफ से मैं मनीष आज आपको जूलॉजी का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगा, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कुछ जो टैक्सोनॉमी के बारे में। अब हम आगे देखेंगे टैक्सोनॉमी के अंदर जो की कैरेक्टर्स है उनकी क्या भूमिका होती है। की कैरेक्टर्स या कुंजी लक्षण वे महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें की कैरेक्टर्स या कुंजी लक्षण कहा जाता है। की कैरेक्टर्स में की क्या है? तो की जो वर्गीकी के अंदर किसी भी अननोन स्पीसीज के पहचान करने में और पहचान के आधार पर उसके जो लक्षण है जो दिखाई दे रहे हैं बाहरी तौर पर उस आधार पर या फिर आंतरिक लक्षणों के आधार पर कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके साथ ही साथ जो आधारभूत जो लक्षण होते हैं वो उसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन को बनाए या निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स वर्गीकी जो लक्षण है जो किसी भी जीव को वर्गीकृत करने में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, तो पहला है नंबर ऑफ सेल्स। जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? एक कोशिकीय है तो उन्हें यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय है तो मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को प्रोटोजोआ में रखा गया है और जो मल्टीसेलुलर है उन्हें मेटाजोन्स में रखा गया है। इस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। इसी प्रकार ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन की कोटि या संगठन का जो स्तर होता है उस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। जैसे किसी जीव का प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है, सेलुलर है या टिश्यू लेवल है या फिर टिश्यू ऑर्गन लेवल है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो ये पांच जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी जीव को वर्गीकृत करने में सहायक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो अंतिम इसमें है, इसमें स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए ऑर्गन्स हैं वो मिलकर एक तंत्र का या सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स या जन्म स्तर, तीन तरह के जन्म स्तर पाए जाते हैं। एक्टोडर्म जिसे बाह्य जनन स्तर कहते हैं, एंडोडर्म अंतः जनन स्तर कहते हैं और मेसोडर्म मध्य जनन स्तर कहते हैं। एक्टोडर्म है वह सबसे बाहर की ओर पाया जाता है और इन तीनों जनन स्तर का निर्माण गेस्टुला की अवस्था के दौरान होता है और इन्हीं से जो किसी जीव के जो अंग हैं उनका निर्माण होगा। यदि किसी जीव में एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो स्तर ही उपस्थित हो तो उन्हें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है और यदि इन दो स्तरों के अलावा तीसरा जो मेसोडर्म है वह यदि उपस्थित हो तो उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से जीवों के विभेदन करने में ये जन स्तर सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है सिलोम, सिलोम या देह गुहा। देह गुहा एक ऐसी जो खोखली रचना है जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाती है। तो इन्हीं जन स्तर भी सिलोम के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। तो सिलोम किस प्रकार की पाई जाती है? यदि वह एक्टोडर्म और
एंडोडर्म दो स्तर पाए जाए और मेसोडर्म है वो अपूर्ण हो, क्योंकि मुख्यतः सिलोम है वह मेसोडर्म द्वारा रेखित होती है, इसलिए उसे ट्रू सिलोम कहा जाता है। यदि मेसोडर्म द्वारा पूर्ण रूप से यह कवर नहीं होती तो इसे स्यूडोसिलोम कहा जाता है, और यदि जिन जीवों में ये सिलोम अनुपस्थित हो तो उन्हें एसिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है। एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, तीन प्रकार के जो जंतु हैं वो सिलोम की उपस्थिति और जो जन्म स्तर हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट आता है सिमेट्री यानी सम्मिति। सम्मिति से तात्पर्य क्या है कि एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस जिसके माध्यम से जीव को समान दो भागों में बांटा जाए और दोनों भाग एक दूसरे के समान हो या मिरर इमेज हो। अब यह एक्सिस है उसके मध्य से भी हो सकती है, एक जो आर्क की शेप में हो सकती है, तो दोनों भाग समान होने चाहिए। यदि ऐसा है तब तो वो सममित जंतु कहलाते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो असममित जंतु कहलाते हैं। तो जंतु सममित है या असममित है इस आधार पर उसे वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन की उपस्थिति भी जीवों के विभेदन में सहायक होती है, उनकी एक टैक्सोनॉमिक पोजीशन बनाती है। एक्सोस्केलेटन से तात्पर्य है हमारा जो इंटेगमेंट सिस्टम है या त्वचा जो हमारे शरीर को आवृत किए रहती है, यदि वह स्तरित रूप में हो डर्मिस इस प्रकार से एपिडर्मिस, ये जो स्तर हैं यदि ये उपस्थित होते हैं तो वो एक्सोस्केलेटन की श्रेणी में आता है। यदि इनमें ये स्तर उपस्थित नहीं होता कोई भी एक स्तर तो एक्सोस्केलेटन उनमें एब्सेंट होता है। एंडोस्केलेटन जो हमारा अंत कंकाल है उसे कहा गया है। एंडोस्केलेटन भी दो प्रकार का हो सकता है, अस्थिल या उपास्थिल प्रकार का या अनुपस्थित हो सकता है, तो उस आधार पर जीव को वर्गीकृत किया जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो जायगोट बनता है, एक कोशी के जो जायगोट होता है वह जायगोट फिर विभाजित होता है यानी क्लीवेज या विदलन के माध्यम से उसमें लगातार विभाजन होते हैं, और उन विभाजन के आधार पर किस प्रकार का विभाजन है, रेडियल है क्लीवेज या स्पाइरल है, या फिर विभाजित होने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें पूर्ण रूप से अन्य अंग बनाने की क्षमता होती है नहीं होती है, यदि उसे हटा दिया जाए तो कोशिका को हटाने पर निर्धारित अंग का निर्माण होगा या नहीं होगा, इस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, ये जो शब्दावली है हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है यह एक प्रकार से इसके विभेदन में सहायक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। जंतु के वर्गीकरण के लिए जो सिद्धांत कुछ दिए गए उन सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे ड्यूरिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जीवों को अलग अलग जो समूह में वर्गीकृत किया गया, पहले जो पुरानी जो पद्धति थी उसके अनुसार क्या था कि जैसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के अंदर जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, लाल रुधिर नहीं होता उनका, तो कुछ जो वैज्ञानिकों ने इस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया कि लाल रुधिर वाले और लाल रुधिर रहित जो जंतु हैं।
बाकी जो बेसिक क्लासिफिकेशन किया गया जो मांसाहारी है या शाकाहारी है, लेकिन इसमें कुछ जीवों का पूर्ण रूप से वर्गीकरण नहीं किया जा सका। तो उस आधार पर जो वर्गीकरण किया गया तो इन ग्रुप्स को टेक्सा कहा गया, और सिंगुलर जो वर्ड है इसके लिए टेक्सोन काम में आता है वर्गर। कैरोलस लिनियस ने 1953 में छह जो टेक्सा है या छह जो समूह है उनके बारे में बताया, जो हम अभी काम में लेते हैं। वी यूज सेवन मेन टेक्सा, हम अभी वर्तमान में सात प्रकार के जो टेक्सा है वो काम में लेते हैं। इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द प्रोसेस वेयर वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ग्रुप्स एंड क्लास आर अरेंज्ड इनटू सक्सेसिव लेवल। तो कुछ जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है यानी एक जो टैक्सोन है उसके अंडर उसे सब डिवाइडेड किया जाता है, तो उसके आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। इन दिस केस द सिक्वेंस शुड बी आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जो क्रम है वह घटते और बढ़ते क्रम में होना चाहिए। और किस प्रकार से, किंगडम से स्पीसीज की ओर या फिर रिवर्स। कैरोलस लिनियस ने अपनी जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, बहुत बुक के बारे में पूछा गया है, बुक का नाम क्या था, उसके 10th एडिशन में यानी 1758 में इसके बारे में बताया। द कंफ्यूजन दैट द प्रीविल्ड आफ्टर लीनियस वाज सॉल्व्ड इन 5th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी इन बर्लिन इन 1900। तो पांचवी जो अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजी की कांग्रेस जो बर्लिन में आयोजित की गई थी, उसमें इस जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्या था कि उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, तो वो दूर किया गया। द ओरिजिनल कोड वाज हाउएवर अडॉप्टेड इन 1904, 1904 में। अभी जो हम वर्तमान में काम में ले रहे हैं, क्योंकि कैरलस लिनियस ने तो सिक्स टेक्सा कॉन्सेप्ट दिया था, जो सेवन टेक्सा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने 1904 में अडॉप्ट किया, और बर्न में आयोजित छठी जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें यह निश्चित किया गया। अब टैक्सोनॉमिक का जो हायरार्किकल क्रम है, पदानुक्रम है, वो किस प्रकार से है। सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद में फाइलम यानी संघ, क्लास यानी वर्ग, ऑर्डर यानी गण, फैमिली कुल, फिर जीनस, और देन लास्ट सेवेंथ है स्पीसीज। तो इस प्रकार से किसी भी जीव की वर्गीकृत स्थिति को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे किंगडम है, सबसे पहले जो एनिमलिया किंगडम में आता है, और यदि प्लांट्स की यदि बात की जाए तो उसके लिए इसी प्रकार से पदानुक्रम काम में लिया जाएगा। हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में जो सबसे अंतिम है स्पीसीज, स्पीसीज एक महत्वपूर्ण जो टैक्सोन है। और किस प्रकार से, स्पीसीज इज द लोएस्ट रैंक इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की आधारभूत जो इकाई है वो क्या है, स्पीसीज। सब स्पीसीज की यदि बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक सब स्पीसीज एक ऐसा सब डिवीजन है दैट रैंक्स इमीडिएटली बिलो ए स्पीसीज विच कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग सक्सेसफुली। तो एक स्पीसीज की जो लोअर रैंक है उसे सब स्पीसीज में माना गया है जो आपस में अंतः प्रजनन सफलतापूर्वक कर सके। इस आधार पर स्पीसीज और सब स्पीसीज है इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमन क्लेचर ऑफ एनिमल, जीव जंतुओं का जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया गया।
नामकरण करने के जो दो प्रकार के जो तरीके काम में लिए गए, प्लांट्स में और एनिमल्स में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति है, यह एनिमल्स को वर्गीकृत करने में काफी सहायक होती है। बाइनोमियल में जीनस और स्पीसीज है वो काम में ली जाती है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम फॉर नेमिंग एनिमल्स बाय मींस ऑफ टू लैटिन नेम्स, फर्स्ट इंडिकेटिंग द जीनस एंड सेकंड द स्पीसीज। पहला जो नाम है वो जीनस को इंडिकेट करता है, दूसरा जो नाम है वो स्पीसीज को इंडिकेट करता है जो किसी जीव से बिलोंग करती है। सच अ नेम इज कॉल्ड ए बाइनोमियल नेम। ए बाइनोमियल और ए साइंटिफिक नेम, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द साइंटिफिक नेम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, जो टाइगर है जिसका जूलॉजिकल नेम है पेंथेरा टाइग्रिस, जिसमें जो पेंथेरा है वह बताता है इसके जेनेरिक नेम को, यानी जेनेरा को, यानी जीनस को बताता है, एंड टाइग्रिस उसके स्पेसिफिक नेम को, यानी उसकी जो स्पीसीज है उसके बारे में इंडिकेट करता है। दूसरा जो प्रकार देखा गया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो टेक्सा की एक नीचे वाली जो रैंक है, जो स्पीसीज के बाद में आती है, और ट्राइनोमियल यानी इसके नाम से इंडिकेशन होता है, इसके तीन भाग होते हैं। अब इसमें जो स्पीसीज के बाद में एक सब स्पीसीज और इंक्लूड की जाती है, जैसे जो लायन है उसकी जो स्पीसीज है किस रीजन में पाई जाती है, किस कंट्री में पाई जाती है, और उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो उस आधार पर उसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो पेंथेरा लियो पर्सिका जो इंडिया में पाया जाता है, जो लॉयन की एक स्पीसीज है, और इसी प्रकार से अफ्रीका में जो पाई जाने वाली जो स्पीसीज है पेंथेरा लियो, लियो उसके लिए जो काम में लिया जाता है जो अफ्रीका में पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें हम जंतु का नामकरण करते हैं। नाम की वैधता किस प्रकार से होती है, वैलिडिटी ऑफ नेम। कोई भी नेम जो किसी जंतु के लिए दिया गया है उसे नोमेनक्लेचर के नियम के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। अगर हम स्थानीय भाषा की बात करें तो अलग अलग स्थान पर एक ही जो जंतु है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसी के लिए हम जो नेम है मे बी नल एंड वॉइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो कुछ इन कारणों के कारण जो नाम है उसकी वैलिडिटी इंगित की जा सकती है। इफ द प्रपोज्ड नेम इज आइडेंटिकल इन स्पेलिंग टू अनदर सच नेम, यदि जो भी प्रपोज्ड नेम है, जो भी नाम दिया गया है, वह किसी अन्य नाम की जो स्पेलिंग है उससे उसके समान है, दैट बिलोंग्स टू ए डिफरेंट टैक्सोन, और एक अलग जो टैक्सोन है उसको इंगित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, होमोनिम। और यदि जो प्रपोज्ड एनिमल हैव एन अर्लीस्ट वैलिड साइंटिफिक नेम, यदि उसका जो वैज्ञानिक नाम है, दिस नेम इज नोन एज ए सिनोनिम, समानार्थी कहा जाता है। बोथ होमोनिम एंड सिनोनिम हैव देयर सीनियर एंड जूनियर एंटिटी। होमोनिम और सिनोनिम दोनों अपने जो उच्च और निम्न जो एंटिटी है उसको रखते हैं। द अर्लीस्ट
सच नेम इज कॉल्ड द सीनियर वाइल द लेटर नेम इज जूनियर। तो प्रथम नाम है वो सीनियर और बाद का जो है उसे जूनियर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रायोरिटी, लॉ ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार ओनली सीनियर होमोनिम और सिनोनिम अप्रूव्ड एज अ वैलिड नेम फॉर एन एनिमल। तो इस प्रकार से किसी भी नाम की जो वैधता है सीनियर होमोनिम और सिनोनिम उसके वैलिड नाम को बताते हैं। अब इसमें एक जो शब्द आया लॉ ऑफ प्रायोरिटी, प्रायिकता का नियम। प्रायिकता का नियम क्या होता है? प्रायिकता का नियम यह है कि यह एक टैक्सोनॉमी में एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें किसी भी वैज्ञानिक ने प्रॉपरली इसका नाम पब्लिश किया, प्रथम इसको पब्लिश करने वाला जो नाम है वही इसमें प्रायोरिटी में लिया जाता है। जीनस टेक्स प्रेफरेंस ओवर एनी सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वैलिड नेम ऑफ टैक्सॉन इज द ओल्डेस्ट अवेलेबल नेम अप्लाइड टू इट अनलेस दैट नेम हैज बीन इनवैलिडेटेड। तो वैलिड का माना जाता है सबसे पहले प्रथम किसी जो नामकरण जो किया गया था उसको सबसे पहले प्रायिकता दी जाती है बजाय अभी की खोज के आधार पर। तो किसी भी जीव के नामकरण के लिए ICZN इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ने एक नियमावली दी और उस नियमावली को फॉलो करते हुए किसी जीव का नामकरण किया जाना चाहिए और उसमें क्या क्या नियम है वो नियम हम एक एक करके देखते हैं। 1889 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी ने पेरिस में नामकरण के लिए एक कॉमन कोड दिया कि इसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाना चाहिए। फर्स्ट वर्जन ऑफ कोड वाज अडॉप्टेड इन फिफ्थ इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी इन बर्लिन। लास्ट हमने देखा था कि पांचवी जो इंटरनेशनल कांग्रेस है उसमें यह निश्चित किया गया था कि किस प्रकार से जो जीव का नामकरण किया जाना चाहिए, जो कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था अपनी जो बुक है सिस्टम ऑफ नेचर के अनुसार। इन द 15th सेशन हेल्ड इन लंदन इन 1958 द कोड्स वर रीरिटन एंड पब्लिश्ड ऑन 6th नवंबर। कोड को पुनः लिखा गया और 6 नवंबर 1961 को पुनः पब्लिश किया गया एंड द अपडेटेड वर्जन ऑफ कोड इन 1961 वाज मेड अवेलेबल इन 1964, सेकेंड एडिशन 1964 में वो अवेलेबल किया गया। द लेटेस्ट एडिशन फोर्थ एडिशन ऑफ द कोड वाज पब्लिश्ड इन 1999 एंड इट्स इफेक्टिव यूज हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2000। 1 जनवरी 2000 से इसका जो पूर्ण रूप से जो उपयोग है वो शुरू किया गया। इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस इलेक्ट्स ए जुडिशियल बॉडी। जो अंतर्राष्ट्रीय जो जूलॉजिकल कांग्रेस है उन्होंने एक जुडिशियल बॉडी को सेलेक्ट किया, चुनाव किया उसका, इलेक्ट किया उसको, जिससे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN कहा गया, विच इंटरप्रीट्स और रिकमेंड्स द प्रोविजंस ऑफ द कोड फॉर द क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर प्रॉब्लम्स ऑफ एनिमल्स। जो भी जीवों के नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित समस्याएं हैं उनको इंटरप्रीट करना, रिकमेंड करना कि क्या उसके प्रोविजंस हो सकते हैं, तो इस आधार पर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में डिसाइड किया गया। ICZN
का जो निर्माण है, इंटेंसिव कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमिनक्लेचर, के द्वारा हुआ। बाइनोमियल मेथड वाज अडॉप्टेड। तो इसमें जो द्वि नाम पद्धति है उसे अडॉप्ट किया गया। कैरोस लिनियस की बुक है सिस्टम ऑफ नेचुरी का 10th एडिशन, इसका एक आधार था। कई बार पूछा जाता है कि नामकरण का आधार है वह सिस्टम ऑफ नेचुरी या कैरोलस लिनियस की कौन सी बुक को माना गया। तो बुक का नाम तो सिस्टम ऑफ नेचुरी है, और उसका 10th एडिशन जो 1758 में पब्लिश हुआ उसे इसे इसका मुख्य आधार माना गया। रूल्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, नामकरण के क्या नियम है, एक एक करके हम नियम देखेंगे। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मस्ट बी डिफरेंट, एंड द जेनेरिक नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल मे बी सेम। तो किसी भी जो एनिमल है या फिर जो प्लांट है उसका जेनेरिक नेम है वो समान हो सकता है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम है जंतु वैज्ञानिक या बायोलॉजिकल जो वैज्ञानिक नाम है वह अलग होना चाहिए। लेकिन इस सिस्टम को भी शुरू में अवॉइड किया गया, जैसे बेनियन और फिश ट्री, इन्हें फिस्कस, फिकस एंड फिक्शियल कहा गया। तो फिक्शियल है एक प्रकार का गैस्ट्रोपोड जो शेल है, इसे भी फिकस कहा जाता है, तो दोनों नाम एक समान हुए। द साइंटिफिक नेम ऑफ फिक ट्री इज फिकस कैरिका और फिकस इंडिका। लेकिन फिक शेल या जो गैस्ट्रोपोड है उसका जो साइंटिफिक नेम फिकस फिकस और फिकस ग्रिसाइलिस कहा गया। तो इस प्रकार से जेनरिक नेम भले ही समान हो लेकिन साइंटिफिक नेम दोनों के अलग होने चाहिए। दूसरा, द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीसीज इज टू बी बाइनोमियल एंड द सब स्पीसीज टू बी ट्राइनोमियल। यदि किसी जीव की जाति है तो उसे बाइनोमियल के अंतर्गत रखा जाए, और यदि सब स्पीसीज है तो उसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार रखा जाए जो हमने पहले पढ़ा। जैसे इंडियन बुल फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ये बाइनोमियल है जिसमें फर्स्ट जीनस है, सेकंड इसकी स्पीसीज है। और द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन लायन इज पेंथेरा लियो पर्सिका, जो हमने देखा था कि इंडियन स्पीसीज है, सब स्पीसीज हुई पर्सिका। और जो श्रीलंका है उसकी जो स्पीसीज है पेंथेरा लियो लियो, यानी लियो ही उसकी स्पीसीज है, लियो ही उसकी सब स्पीसीज है। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में इस प्रकार से नामकरण किया जाना चाहिए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक नेम इज जेनेरिक। एंड इज अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड होना चाहिए। एंड द फर्स्ट अल्फाबेट और लेटर मस्ट बी रिटर्न इन कैपिटल लेटर। तो किसी भी जीव का अगर साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो जीनस का पहला अक्षर कैपिटल या अपर केस में लिखा जाना चाहिए, बाकी जो लेटर्स हैं वो सारे लोअर केस में होने चाहिए। द जीनस मस्ट बी नाउन इन द नॉमिनेटिव सिंगुलर, एक संज्ञा शब्द होना चाहिए। द जेनेरिक पार्ट असाइंस अ लैटिन नाउन, अ लैटिनाइज्ड ग्रीक और लैटिनाइज
वर्नेकुलर वर्ड लैटिनीकृत ग्रीक भाषा का शब्द वह होना चाहिए। फोर्थ देखें, द सेकेंड पार्ट ऑफ नेम इज स्पीसीज, दूसरा जो भाग है किसी भी जीव का यदि नामकरण करते हैं तो पहला जीनस है, दूसरा स्पीसीज होता है। तो स्पीसीज किस प्रकार का है, पर्टिकुलर उसके प्रकार को बताता है। नेम एंड मे बी ए सिंगल वर्ड, या तो नाम हो सकता है और एक एकल शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह हो सकता है। द फर्स्ट अल्फाबेट और लेटर ऑफ द स्पीसीज नेम मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर। तो जैसा मैंने बताया कि पहले जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। द स्पीसीज मस्ट बी एडजेक्टिव फॉर्म इन नॉमिनेटिव सिंगुलर एग्रीइंग इन जेंडर विथ जीनस नेम विच इज इन नाउन फॉर्म। तो जैसे हम देखते हैं कि स्पीसीज नेम है यदि मैस्कुलाइन है यानी मेल है तो आई के साथ में एंड होना चाहिए, और यदि जीनस का नाम है तो उसके अंत में जो शब्द है आई यू एस और ई एस तो ये होना चाहिए। यदि उदाहरण देखें तो मंगूस का जो नाम है या रिवर लैपिंग का जो नाम है वो इसका बेटर एग्जाम्पल है, जिसमें जीनस में और स्पीसीज में इसमें आई का यूज किया गया है। यहाँ पर रिवर लैपिंग है, इसमें भी आई का यूज किया गया है। इसी प्रकार से यदि फेमिनाइन नेम हो तो उस वो ए या ई से अंत होता है दोनों में, स्पीसीज में और जीनस में। तो जैसे देखिए गोल्डन कटलफिश सेपिया एस्पिलेंटा, तो ए के साथ में एंड हो रहा है, और हपनोज्ड वाइपर, वाइपर की एक जो स्पीसीज है जिसमें जीनस और स्पीसीज दोनों का ही जो अंतिम लेटर है वो ई है। इसी प्रकार से न्यूटर एंडिंग, यदि उसमें जो जेंडर है वो डिसाइड नहीं है तो स्पीसीज का नेम यू एम यू एस इससे समाप्त होना चाहिए, इसी प्रकार से जीनस का। जैसे टस्क शेल, तो टस्क शेल है इसमें डेंटेलियम एलिफेंटिनम, तो यू एम जो वर्ड है वह इसके अंत में आना चाहिए। इसी प्रकार कॉमन जो क्रेन है सारस है, तो उसका जो जूलॉजिकल नेम है यदि हम देखें तो ग्रुस ग्रुस नाम है, तो जीनस भी और स्पीसीज दोनों एक ही नाम से, लेकिन जीनस में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, यदि जातियों का नाम है वह किसी खोजकर्ता के नाम के आधार पर हो तो उसे लिखने का तरीका इस प्रकार से है। तो स्पीसीज में पहला उसके बारे में किसने दिया, फर्स्ट सेकंड और ए ई उसमें अंत में ऐड होता है। जैसे एंसिस आइंसिस ये जो शब्द हैं ये उसमें ऐड होते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल में देखें स्पीसीज नेम आफ्टर पर्सन नेम, पर्सन नेम के बाद में यदि स्पीसीज नेम है तो हुडेड कटल फिश, तो इसका नामकरण किया गया सेपिया प्रेशरी, तो प्रेशरी ये है प्रसाद जो खोजकर्ता के नाम के आधार पर है और आई इसमें ऐड किया गया। इसी प्रकार से टी फ्रॉग है, जर्डन इसके खोजकर्ता हैं, और इसी प्रकार से एंटार्कटिक फ्लाइंग स्क्विड है, तो स्क्विड में फिलिपाओ
जो पर्सन नेम है, तो पर्सन नेम के बाद में ये जो सफिक्स है वो जोड़ा जाता है। यदि स्थान की बात आए कि किस स्थान पर पाया जाता है, जैसे बंगाल है तो इंडिया में पाया जाता है, या मेडागास्कर में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है, तो उसके अनुसार उनके नामकरण किए गए हैं। जैसे बटरफ्लाई फिश है जो मेडागास्कर में पाई जाती है, तो मेडागास्कर में पाए जाने के कारण इसकी जो स्पीसीज है वो मेडागास्कर के नाम के अनुसार है। तो मेडागास्कर इएंसिस ये इसमें सफिक्स ऐड किया गया है। और इस प्रकार से बंगाल में पाई जाने वाली जो कॉमन इंडियन मॉनिटर है, जिसे स्पीसीज वेरनस है, बंगाल में पाए जाने के कारण बेंगलियंसिस इसको कहा गया। इस प्रकार से जो प्लेस के अनुसार या पर्सन के अनुसार, पर्सन क्या हुआ जिसने उसकी खोज की, उसके आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड स्पीसीज ग्रुप नेम इज अ लैटिन लेटर एंड डिनोट्स ए कैरेक्टर ऑफ टैक्सॉन। तो किसी भी जो जंतु है उसकी जाति का नाम एक लैटिन वर्ड से शुरू होना चाहिए और कनेक्टेड टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेम बाय अ हाइफन, और बाकी का जो नाम है एक हाइफन को यूज करते हुए से ऐड करना चाहिए। जैसे एक फ्लैट फिश का प्रकार है जिसे सॉल कहा जाता है, तो सॉल का यदि हम नामकरण देखें, जैसे इसमें देखिए एसरगॉड्स साइनस, साइनस के बाद में जो नेक्स्ट वर्ड आता है, ग्रुप नेम आता है, उसे हाइफन का यूज करते हुए उसे ऐड किया गया। इफ अ सब जीनस टैक्सॉन इज यूज्ड, यदि सब जीनस टैक्सॉन काम में लिया जाए तो इट इज इंक्लूडेड विद इन पैरेंथिसिस इन बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज, तो उनके बीच में पैरेंथिसिस या ब्रैकेट का यूज किया जाता है। जैसे पेंचल, पेंचल किसमें आता है, बाइवाल्विया में आता है, द्वि कपाट जो होते हैं, तो उस उनके अनुसार इन्हें काम में लिया जाता है। अब यदि इसका जीनस देखें तो एट्रिना, और सब जीनस है उसे पैरेंथेसिस में काम में लिया जाए, तो इस प्रकार से लिखने का मेथड यूज होता है। द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इज द ओरिजिनल ऑथर ऑफ अ नेम मे बी रिटन आफ्टर स्पेसिफिक नेम अलॉन्ग विथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन। साइंटिफिक नेम जिस पर्सन ने सबसे पहले पब्लिश किया उसके अनुसार उसे लिखा जाता है। यदि किसी जीव का साइंटिफिक नेम लिखा जाए तो उसके साथ में उसके खोजकर्ता के नाम और जो वर्ष है उसको लिखा जाता है। जैसे लायन, लायन के लिए फेलिस लियो, इसके खोजकर्ता है लिनियस, तो लिनियस खोजकर्ता के आधार पर इसे 1758 लायन फेलिस लियो लिन इस प्रकार से लिखा जाता है, या 1758, या फिर फेलिस लियो एल जो लिनियस को बताता है, और 1758। तो ये तरीके हैं जिनके काम में, जिनको काम में लेते हुए हम किसी भी जीव का जो वर्गीकरण लिखते हैं उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं। कॉमा सेमीकॉलन, कुछ इस प्रकार के जो नाम में यूज किए जाने वाले सिंबल्स हैं जो हम काम में लेते हैं, तो इसके बारे में देखें। कॉमा इज ओनली यूज बिटवीन ऑथर नेम, केवल जो ऑथर नेम है उसके मध्य में और नेम के मध्य में कॉमा का यूज किया जाना चाहिए। और जिस वर्ष उन्होंने नाम पब्लिश किया, जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का जो कॉमन नेम है वल्गरिस क्यूवियर, तो ऑक्टोपस वल्गरिस खोजकर्ता है क्यूवियर, उसके बाद में कॉमा और जिस सन में उन्होंने खोज की, कोई भी पंक्चुएशन मार्क इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। इसके अलावा जैसे डबल कोट्स हैं
यह गलत है। और न ही डाई एक्रेटिक मार्क काम में लिए जाते हैं। जर्मन वर्ड द अमलुट द साइन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए वोवल एंड द लेटर ई इज इंसर्टेड आफ्टर द वोवल, जैसे मुलेरी बिकम्स मुलेरी। तो इस प्रकार से जो शब्दों का रूपांतरण किया जाता है, जो भी हम ये सारे नियम देख रहे हैं ये ICZN के द्वारा डिसाइडेड हैं, तो उन्हीं के ध्यान में रखते हुए किसी भी जीव का नामकरण किया जाना चाहिए। इफ द ओरिजिनल जेनेरिक नेम गिवन बाय द फर्स्ट ऑथर हु ऑल्सो रिपोर्टेड द स्पीसीज नेम ट्रांसफर द स्पीसीज पार्ट फ्रॉम वन जीनस टू अदर द नेम ऑफ द ओरिजिनल ऑथर इज पुट विद इन पैरेंथिसिस। एग्जाम्पल है जैसे देखिए लायन का है, टाइगर। अब इसमें यदि बात करें तो जो टाइगर है, लायन है, कैट है, ये प्रारंभ में फेलिस जो फैमिली है उससे बिलोंग करते थे, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें माना जाता था। बाद में इन्हें जो जैसे लायन की यदि हम बात करें तो फेलिस लियो लीनियस, लीनियस ने इसे फेलिस के अकॉर्डिंग माना था, 1758 में दिया था। बाद में पेंथेरा लियो इसका संशोधित नाम दिया गया, और फेलिस है वो जंगल जो कैट है, जंगली बिल्ली है, उसके लिए ही निर्धारित किया गया। लीनियस ने अपनी जो सिस्टम ऑफ नेचर बुक है उसके 10th एडिशन में जो 1 जनवरी 1758 को पब्लिश हुई थी, तो इस नोमेनक्लेचर को डिसाइड किया गया था। और बुक है वो एस क्लेरिक द्वारा 1757 में पब्लिश की गई थी। द साइंटिफिक नेम मस्ट बी आइदर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड, जो भी वैज्ञानिक नाम है वो या तो लैटिन होना चाहिए या फिर जो लैटिनाइज्ड उसे लैटिन में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। द साइंटिफिक नेम मस्ट बी इटैलाइज्ड इन प्रिंटेड फॉर्म, इटैलिक फॉर्म में उसे लिखा जाना चाहिए। और इटैलिक फॉर्म में लिखने के लिए यदि हम जैसे स्पीसीज का नेम लिखते हैं तो स्पीसीज के नेम को इटैलिक फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। ऑल द टेक्स्ट आर फ्रॉम सब जेनेरा लेवल एंड अबव मस्ट बी यूनिनोमियल एंड आर प्लूरल नाउन्स फॉर नेम अबव जीनस एंड सिंगुलर नाउन फॉर जीनस एंड सब जीनस। टैक्सॉन स्पीसीज मे बी यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल। एनिमल्स के लिए कुछ जो रूल हैं वो इस प्रकार से बताए गए कि उसकी सुपर फैमिली जो उसकी ट्राइब से बिलोंग करती है उसको किस प्रकार से, उसका जो नाम है ऑइडिया से समाप्त होना चाहिए जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें, और यदि इन वर्टिब्रेट्स हैं तो एशिया में समाप्त, एशिया जो सफिक्स है उससे वह वर्ड समाप्त होना चाहिए। जैसे होमिनोइडिया, होमो है वो लैटिन शब्द है, और होमिनिस या होमिन, तो इसके होमिनिडी जो शब्द है वह काम में लिया जाना चाहिए। यदि फैमिली हम काम में ले रहे तो ईडी, सब फैमिली काम में ले रहे तो एनी, ट्राइब काम में ले रहे तो INI, और सब ट्राइब काम में ले रहे तो INI। ये जो नियम बनाए गए कि किसी भी फैमिली या सब ट्राइब ट्राइब का नामकरण किया जाए तो ये जो सफिक्स है वो काम में लिए जाने चाहिए। ए फैमिली नेम शुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप जीनस, जैसे किटिनोइडी, काइटन एक जीनस का प्रकार है,
ठीक है। नेक्स्ट जो आता है 17, टू स्पीसीज अंडर ए नेम जीनस शुड नॉट हैव द सेम नेम। दो स्पीसीज जो एक जीनस के अंतर्गत आती है एक समान नाम का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ जो नियम है, नोमेनक्लेचर ऑफ ए हाइब्रिड और हाइब्रिड्स, जो संकरण जो प्रजाति है वो नोमेनक्लेचर के लिए प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। हाइब्रिड्स आर नॉर्मली इंडिविजुअल्स बट नॉट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंतर्गत नहीं आते, इंडिविजुअल के अनुसार उनका नामकरण किया जाना चाहिए। द सच नेम्स हैव नो स्टेटस इन नोमेनक्लेचर, तो हाइब्रिड्स का नोमेनक्लेचर में कोई स्टेटस नहीं होता। ए नेम पब्लिश्ड विदाउट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट देखें, ए साइंटिफिक वैलिड नेम विच इज नॉट यूज अबाउट 50 ईयर्स इन लिटरेचर, देन एज पर जूलॉजिकल कोड प्रोविजन द अनयूज्ड सीनियर वैलिड साइंटिफिक नेम इज ट्रीटेड एज ऑब्लिटरेटेड नेम एंड जूनियर नेम। जैसे हमने पहले देखा था सीनियर एंड जूनियर नेम, तो उनके अनुसार उनको काम में लिया जाए। विच इज यूज कंटिन्यूसली इन लिटरेचर, एटलीस्ट 10 ऑथर इन 25 पब्लिकेशंस। होमोनिम्स एक समान जो नाम है, मीन्स व्हेन आइडेंटिकल नेम आर गिवन टू टू और मोर डिफरेंट एक्सा अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल कोड, व्हेन टू और मोर होमोनिम आर फाउंड द सीनियर मोस्ट, यानी सबसे पहले जो होमोनिम दिया गया उसको काम में लिया जाना चाहिए। जैसे क्यूवियर ने एकेडिना को 1797 में स्पेनी एंटीटर जो है वो प्रपोज किया था। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, इसका हम पहले देख चुके हैं कि सबसे पहले जिन्होंने जो नामकरण किया उनके आधार पर उसे प्राथमिकता देते हुए उसे ही वैलिड किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट।